ऐसी आपकी आज्ञा। जैसे काली अंधेरी रात में चंद्रमा धीरे धीरे अपनी सामान्य चमक पाता है, वैसे ही तीर्थंकर महावीर धीरे धीरे महारानी त्रिशला की कोख में पड़ रहे हैं। माता त्रिशला अपनी कोख में पल रहे बच्चे की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है और उसकी रक्षा कर रही है। वो अपने दर्द और अस्वस्थता को शांति एवं प्रसन्नता से सहन कर रही है। अंदर गर्भ में तीर्थंकर ये सोच रहे हैं कि उनके अवयवों के हिलने से माता को तकलीफ हो रही होगी। वे पृथ्वी पर केवल इसलिए जन्म ले रहे हैं ताकि किसी को कोई कष्ट न हो और वे सबकी भलाई करें। फिर वे गर्भ में होते समय माता को कष्ट कैसे दे सकते हैं? इसलिए वे माता के गर्भ में गतिहीन होकर लेते रहे। गर्भ में प्रभु के हलन चलन बंद करने से माता त्रिशला चिंतित हो गई। क्या बात है महारानी जी, आप इतनी चिंतित क्यों है? मुझे अपने गर्भ में कोई जलन महसूस नहीं हो रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। लगता है महाराज को ये बात बतानी चाहिए। जो आज्ञा महारानी जी। महाराज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कुछ समय से मैं अपने गर्भ में कोई जलन महसूस नहीं कर रही हूँ, मुझे बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। ऐसे अशुभ बात मत कहिए महारानी जी, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। मुझे यकीन है चिंता करने लायक कोई बात नहीं होगी। महाराज और महारानी होने वाली संतान के प्रति चिंतित हैं, इसलिए पूरे राज्य में सन्नाटा छाया हुआ है। दरबार के सारे मनोरंजन बंद कर दिए गए हैं। कोई भी नाट्य या संगीत का कार्यक्रम पूरे राज्य में नहीं हो रहा है। चिड़ियों ने चहकना छोड़ दिया है, बच्चे खेल नहीं रहे हैं और पूरे राज्य में एक भी मुस्कुराता चेहरा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा विश्व ही शांत हो गया है। तीर्थंकर ने गर्भ में अपनी दिव्य शक्ति से ये अनुभव किया कि उनके माता पिता और राज्य की प्रजा उनकी चिंता में दुखी और कष्टी हो गए हैं। उन्हें ये प्रतीत हुआ कि माता की पीड़ा दूर करने के उनके प्रयास ने विपरीत प्रभाव किया है। उनकी माता और अधिक पीड़ा में आ गई है, इसलिए गर्भ के भीतर तीर्थंकर ने धीरे धीरे इस तरह चलन शुरू किया जैसे झील में मछली हलचल करती है। क्या कह रही हैं? ये समाचार सारे राज्य में फैल गए और चारों तरफ उत्सव का वातावरण पुनः स्थापित हो गया। गर्भ में तीर्थंकर ये सोच रहे हैं कि उनकी माता ने तो अभी तक उन्हें देखा ही नहीं है, फिर भी वे उनसे इतना असीम प्रेम करती हैं। कल को जब वे इस पूरे संसार को त्याग देंगे तब उनके माता पिता की क्या हालत होगी? तीर्थंकर ने गर्भ में ही एक वचन लिया कि वे अपने माता पिता के जीवित रहने तक गृहस्थ जीवन का पालन करेंगे। माता पिता के देहांत के बाद ही वे इस जग को त्याग देंगे। इस प्रकार उन्होंने जन्म से पूर्व ही अपने माता पिता के प्रति निष्ठा दिखाई। दिन बीत रहे थे, विक्रम युग शुरू होने से 543 वर्ष पूर्व ग्रीष्म ऋतु के चैत्र मास का वो 13वां दिन था।
रात्रि के समय जब तारामंडल में हस्तोतरा उभर रहा था, तब गर्भ ने 9 महीने 7 दिन पूरे किए थे। महारानी त्रिशला ने उस समय एक बालक को जन्म दिया। प्रभु का जन्म होते ही देवलोक में इंद्र एवं अप्सराओं के सिंहासन कंपमान हुए। देव एवं अप्सराएं प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए तत्पर हुए। 56 स्वर्गीय अप्सराएं पृथ्वी की ओर आने लगी। एक जन्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो वर्धमान नो नाम धरीने प्रगट्यो तेज सितारो एक जन्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो धान बद्या धरती ना पेटे नीर बद्या सर बरियाना चंद्र सूरज ना तेज वध्याने संप वध्या सब मानव ना दुख ना दिवसो दूर गया ने आव्यो सुख नो दाड़ो एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो वागे छे शरणाई खुशी नी सिद्धार्थ ना आंगणिये हेते ही चोले त्रिशला रानी वीर कुवर ने पारणिये प्रजा बनी आनंद झेली घर घर उत्सव आयो एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो एक जन्म्यो राज दुलारो। दैवी जगत के स्वामी शक्र इंद्र ये जानते थे के तीर्थंकर ने पृथ्वी पर जन्म लिया है। अन्य देव और देवियों के साथ वे तीर्थंकर के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा दिखाने के लिए पृथ्वी की ओर भ्रमण करने लगे। शक्र इंद्र ने 3 बार माता त्रिशला और तीर्थंकर की प्रदक्षिणा की। उनका हृदय निष्ठा से भरा था और उन्होंने बड़े ही भक्तिपूर्ण भाव से तीर्थंकर को नमस्कार किया। तीर्थंकर को मेरु पर्वत पर ले जाने की उनकी मनीषा थी। उन्होंने तीर्थंकर से अनुमति मांगी। तीर्थंकर से अनुमति पाते ही उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए त्रिशला को अवसवापिनी निद्रा में गहरी नींद में सुला दिया। महावीर के प्रति निष्ठा की भावना से अभिभूत शक्र इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा अपने शरीर से 5 विभिन्न शरीरों का निर्माण किया। पहले शरीर से उन्होंने बालक को अपने हाथ में उठाया। दूसरे 2 शरीरों से हवा करना शुरू किया। चौथे शरीर से उन्होंने बालक को धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर छाता धर लिया और 5वें शरीर से वे अपने हाथों में गड़गड़ाहट पकड़कर इस यात्रा के अग्रभागी रहकर उसे आगे बढ़ाने लगे। शक्र इंद्र और अन्य देवी देवताओं को तीर्थंकर के शुद्धिकरण के धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिला। उन्हें तीर्थंकर की निष्ठा पूर्वक सेवा करने का भी ईर्ष्या पूर्वक अवसर मिला। इंद्र जिन्होंने 5 शरीर धारण किए थे तीर्थंकर को लेकर मेरु पर्वत पर आए। महाविदेहा क्षेत्र में मेरु पर्वत 4 मील की ऊंचाई पर स्थित था। वहां पर
स्वर्ग जैसा सुंदर एक उपवन था जिसे नंदन वन कहते थे। इस नंदन वन में प्रकृति की सुंदरता अनेक प्रकार के रंग बिरंगी और सुगंधित फूलों में दिखाई देती थी। शक्र इंद्र तीर्थंकर को पांडुका जंगल में लेकर गए। वहां पर दक्षिण की ओर स्थित एक बड़ी सी चट्टान पर वे पूरब की ओर मुख करके तीर्थंकर को गोद में लेकर बैठे। वहां पर सुवर्ण और चांदी के बर्तन भी थे जिनमें हीरे जड़े हुए थे। इन बर्तनों में तीर्थ क्षेत्रों का पवित्र जल भरा हुआ था और पवित्र नदियों एवं समंदर में मिलने वाली सुगंधित जड़ी बूटियां थी। ये कितना अद्भुत क्षण होगा, पवित्र क्षण होगा, जब उन बर्तनों से तीर्थंकर की काया पर जल बरसाया जाएगा। तीर्थंकर का जीवन इतना शालीन और अद्भुत था कि इंद्र के मन में कई प्रकार की भावनाएं एवं अनेक प्रतिरूप उठने लगे। एक बालक होते हुए भी तीर्थंकर को ये तुरंत पता चल गया कि इंद्र के मन में कुछ विचार उठ रहे हैं। उन्होंने अपने दाहिने पांव की उंगली मेरु पर्वत पर दबाई जिससे पर्वत में अचानक जोरों की आवाज हुई। पृथ्वी पूरी तरह से थरथराने लगी और पर्वत का शिखर मानो कांपने लगा। प्रभु के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ये दुर्घटना घटने से इंद्र अत्यंत कोपायमान हो उठे। जाओ, अभी जाकर उसे ढूंढ निकालो जिसने इतनी महत्वपूर्ण घड़ी में इतने दुष्टता का प्रदर्शन किया है, जो हमारी खुशियों का अंत करना चाहता है। उसे तुरंत ढूंढ के लाओ। देवों के स्वामी इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति से ये जाना कि जिस बालक की स्नान विधि आरंभ होने वाली थी वही बालक इस भूकंप का प्रणेता था। वे विचार करने लगे कि बालक ने ऐसा क्यों किया। उन्हें यह भी अनुभूति हुई कि वो बालक उनके मन में जागृत हुई भावनाएं जानता था और उसने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन केवल एक उंगली से दिखाया था। हे पूजनीय देव, मैंने आपके सामर्थ्य पर शक किया था। मैंने ये सोचा कि क्या आप एक बालक होकर भी इस पानी के भार को सहन कर पाएंगे, किंतु मैं गलत था। आप में तो इतना सामर्थ है कि केवल एक उंगली दबाकर आपने मेरु पर्वत पर भूकंप करवाया। हे पूजनीय देव, मेरी इस गलती के लिए मुझे क्षमा करें। भगवान इंद्र के आदेश पर सारे देव तीर्थंकर पर पवित्र जल बरसाने लगे। इंद्र ने स्वयं ह्यूम पर जल डाला। तीर्थंकर को स्नान कराने पर इंद्र ने उनके शरीर पर सुगंधित पदार्थों का लेप लगाया और उनके सामने नृत्य करते हुए उनकी दीपों से आरती उतारी। सारा वातावरण भक्ति से भरा था जिसमें संगीत, नृत्य और गायन था। ये सब पूरी रात चलता रहा। अंत में इंद्र बालक को अपने हाथों में उठाकर वापस उसके घर ले जाने लगे। वे क्षत्रिय कुंड पहुंचे और उन्होंने धीरे से बालक को कृष्णा के पास लिटाया और वे स्वर्ग की ओर रवाना हो गए। महाराज सिद्धार्थ ने इस शुभ अवसर को इतने उत्साह से मनाया कि गरीब लोग अपनी गरीबी भूलकर और कर्जदार अपने कर्ज को भूलकर भक्ति एवं भावना युक्त गीत गाने लगे और पूजा में लीन हो गए। इस परिवार के सारे सदस्य एवं रिश्तेदार, मुझे आप सबको ये बताना है कि इस बालक की आत्मा ने जब से रानी त्रिशला के गर्भ में प्रवेश किया है तब से हमारे खुशियों में और धन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। पिछले कई दिनों से मेरे मन और हृदय में भी केवल अच्छे और पवित्र विचार ही आते रहे हैं, इसलिए क्यों ना हम इसे वर्धमान कहें। वर्धमान की।